ये वाला 4 पीस आपके लिए रख दिए हैं। देखिए धान खा रहा है नीचे में, धान दे दिए हैं, दाना दे दिए हैं। ब्राउन का है और वाइट का है। इसका कंप्लीट वीडियो भी एक तो आपको दे रहे हैं, देख लीजिएगा। जस्ट अभी आया है तो वीडियो थोड़ा सा बनाया है, छांट दिए क्योंकि बड़ा वाला ये था ना, बड़ा वाला केज में डालना था। बढ़िया आपको पीस निकाल दिए पहले ही, और जो डाले हैं क्या है नहीं है उसका वीडियो आपको दे दे रहे हैं। दोस्तों ये अभी हम जस्ट जावा वर्ड लेके आए हैं परचेज करके मार्केट से। मार्केट मतलब एक फार्म से ही आया है। तो जो है 6 पेयर का जो प्राइस है मैंने आपको लिख दिया है। वाइट वाला का प्राइस बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है मार्केट में, जैसे 2200 रुपया, 1800 रुपया, और ब्लैक वाला आपको मिल जाता है मिनिमम 1200-1400, इस तरह से रेट रहता है। रेट भी मैं आपको साथ ही साथ बता दे रहा हूँ, और वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बड़ा केज में इसको छोड़ने वाले हैं, और कुछ पीस जो है मैं अपने एक फ्रेंड को देने वाला हूँ जिनको मैंने इच्छा था लेने का, तो उनसे मैंने बात कर लिया, वो लेने वाले हैं 2-4 दिन में। उनके लिए भी कुछ पीस है और कुछ पीस मेरे लिए आया है। मैं खुद के लिए सारा को परचेज मैंने खुद के लिए ही किया है, उस तरह से ही मैंने परचेज किया है। मेल फीमेल जिनसे मैंने लिया है उन्होंने मेल फीमेल बोल के दे दिया है। तब इसमें बहुत ज़्यादा गेसिंग करना पड़ता है, और कुछ मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि आप 4-5 पेयर रखते हैं तो जाके 1-2 पेयर ब्रीड करता है, ऐसा सिस्टम एकदम जीन्यून है। आपको 4-5 पेयर लेना ही होगा, एक सिंगल पेयर खरीदेंगे तो समझिए कि बहुत ही कम चांस है कि वो ब्रीड करेगा। हाँ, सिंगल डिफरेंट कलर में है, डिफरेंट मतलब अलग अलग कलर में है, 3-4 पेयर आप ले लीजिए अलग अलग डिफरेंट, तो क्या है कि बॉन्डिंग वो अलग अलग से भी बना लेगा और बच्चा भी आपको अलग अलग डिज़ाइन का देखने को मिलेगा, यानी कलर का अलग अलग कलर। इसमें क्या है, वाइट कलर है, सिल्वर कलर है, ब्राउन कलर है, और आपका ब्लैक, 4 कलर मेन है। 3 कलर सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, सबसे पहले तो सबसे नंबर 1 पे आपका वाइट है, उसके बाद 2 नंबर पर ब्राउन, सिल्वर बीच में आता है, लेकिन सिल्वर बहुत ही कम लोग परचेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि ब्राउन और ब्लैक ये दोनों जो मिक्स करके ब्रीड होता है तो इस तरह से सिल्वर आ जाता है, ब्लैक और वाइट होता है, तो कभी कभी ब्राउन का भी आ जाता है, कभी ब्लैक का आ जाता है, कभी वाइट का भी आ जाता है। इस तरह से आपको मिक्स करके ही लेना है। और जो मेल है उसका चोंच जो है रेड रहेगा, सबको पता है, और जो फीमेल है उसका चोंच जो है कम रेड रहेगा। इससे गेसिंग करते हैं, गेसिंग बहुत 100% सक्सेसफुल नहीं होता है, इसलिए 4-5 पीस आपको मतलब बर्ड लेना ही होगा। उसके बाद एक कॉलोनी में डाल दीजिए, जैसे जैसे ब्रीड करते जाए, अंडा बच्चा करते जाए, पकड़ पकड़ के उसको फिर सेपरेट करते रहिए, वही सबसे मेन तरीका होता है। तो अभी मैंने परचेज कर लिया 6 पेयर, 6 पेयर को छोड़ देंगे कॉलोनी में, उसके बाद धीरे धीरे सेपरेट करेंगे जब ये ब्रीड करेंगे। अभी तो ये सेमी एडल्ट है, पूरा एडल्ट लेना भी नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। वेलकम टू माई चैनल पेट टेक एंड ट्रैवल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। बर्ड अभी जस्ट आया है, 4 पीस जो है वाइट लिए हैं और 2 पीस ब्राउन। 2 पीस जो ब्राउन है एकदम कन्फर्म है, कन्फर्म पकड़ के अभी आपको दिखा देते हैं कैसे कन्फर्म है, किस तरह का कलर है। ये हेड के ऊपर आप देखेंगे, थोड़ा सा आप शांत हो जाता है तो पता चलेगा। हेड के ऊपर देखिए हल्का हल्का ब्लैक है 2 पे, तो वो मेल है, और जिस पर ब्लैक हल्का नहीं है वो फीमेल है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एक इसका ये फीमेल है, एक पीछे फीमेल है, एक इधर मेल है, एक उधर मेल है, और वाइट में उसी तरह से पकड़ेंगे चोच के हिसाब से। चोच जिसका बहुत ज़्यादा रेड है सबसे पहले उसको पकड़ लेंगे, और जिसका सबसे कम रेड है फिर उसको पकड़ लेंगे, तो मेल फीमेल कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ से चलिए निकालते हैं पहले। निकालने के लिए उसको ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा, निकालने के बाद जो है यहाँ पे पिंजरा है इसमें रख देंगे, क्योंकि बड़ा वाला कॉलोनी में छोड़ना है, तो कॉलोनी में छोड़ने के बाद फिर इसको को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। सबसे पहले अभी पकड़ रहे हैं यहाँ से, जैसे कि ये ब्लैक पूरा हेड है, एक इसको पकड़ेंगे ब्लैक हेड को, और एक देखिए ब्राउन टाइप का है तो उसको पकड़ेंगे। मेल फीमेल 2 ही पेयर है, तो 1 पेयर मेरा है और 1 पेयर आपको देना है। यहाँ से पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। ये देखेंगे हेड इसका ब्राउन है, ठीक है, ये हो गया मेल। यहाँ थोड़े दूर से निकाले तो देखते हैं, ठीक है, ये ब्राउन का है मेल, और फीमेल पकड़ते हैं।
मेल को इसमें रख देंगे, ये जो ऊपर वाला केज है इसमें रख देंगे और इसको फीमेल पकड़ेंगे। तो फीमेल सामने है देखेंगे तो इसका हेड और उसका हेड में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देगा। मेल को रख दिए हैं और फीमेल पकड़ते हैं। हाँ फीमेल है, फीमेल को पकड़ लिए हैं। ये देखिए इसका जो हेड है वो पूरा आपको कम मतलब जो है ब्लैक दिखाई देगा उसका, जैसे कि पीछे बैठा देखिए उसका हेड कितना ब्लैक। एक पेयर हम रखे हैं जो कि कॉमन छोड़ देंगे और एक ये है फीमेल, तो इसको भी चलिए और इसको जो है फीमेल देख रहे हैं। एक मेल उसमें रख चुके हैं पहले और फीमेल उसमें फिर डालेंगे। इसी में वाइट वाला भी डाल देते हैं क्योंकि बड़ा वाला कॉलोनी में डाल देंगे तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसी में से वाइट भी निकालते हैं। सबसे जो है रेड देख रहे हैं, सबसे जो रेड दिख रहा है जिसका दिख रहा है चार है, एक अंदाज ही रहेगा, कोई गारंटी तो नहीं है, एक अंदाज से ही। इसका बॉडी भी हेवी दिख रहा है, इसको भी पकड़ लेते हैं पहले। ठीक है ये आ गया। ठीक है मेरे हिसाब से ये फीमेल है, ये जो है ये फीमेल है, प्योर वाइट, प्योर वाइट में फीमेल। ठीक है ये फीमेल है और एक मेल पकड़ लेंगे। एक मेल फीमेल के बाद एक मेल पकड़ना है। मेल एक वो पीछे वाला लग रहा है तो उसको पकड़ लेंगे। ये वाला एक फीमेल लग रहा है, मेल देखते हैं कौन सा है। मेल जो है, मेल जो है, मेल यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा कूद रहा है। ये देखिए इधर भागा है, नहीं ये भी नहीं, ये फीमेल, ये वाला बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है। देखिए ये मेल है मेरे हिसाब से क्योंकि आँख में भी इसका जो है रिंग टाइप का हल्का दिख रहा है। ये देखिए ठीक है, और अब इसको भी इसमें डाल देते हैं, ये जो पिंजरा है इसमें डाल देते हैं। दो फोन का हो गया है और एक वाइट का फीमेल और एक मेल, बाकी जो है हम अपने पास अभी रखे हैं। ये हो गया, इसको कॉलोनी में छोड़ने वाले हैं कहा कि ठीक है। एक का देखिए हेड के ऊपर जो है ना बाल भी उड़ा हुआ है, तो वो भी हम खुद ही रखे हैं क्योंकि अभी, और एक तो जो है वो आइज भी क्लोज कर रहा है ये वाला, ये भी हम खुद ही रखे हैं। बाकी आपको जो दिए हैं वो सबको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर रख दिए हैं इसमें, यहाँ पर ये देखिए सबका आइज भी ओपन है, ये देखिए। और मेल फीमेल हम अपने हिसाब से पकड़ ही दिए हैं। मोल्डिंग पे है अभी सब, वो बोला है मोल्डिंग पे है, मोल्डिंग पे होने के बाद फिर जो है ब्रिज पे आएगा। तो इसमें रख दिए सेपरेट करके और फिर यहाँ पे है, इसको कॉलोनी में ले जाकर छोड़ेंगे। दो पीस ब्राउन और तीन पीस इसमें जो है वाइट वाला है, और मेरा पास जो घर में जो मेरा था वो ब्राउन वाला, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा। ये है ऑलरेडी मेरे घर में पहले से, अभी जो मंगाया वो ये वाला है। तो चलिए उसको ले चलेंगे और छोड़ेंगे कॉलोनी में।
कॉलोनी है ये वाला। तो पहले हम आ जाते हैं लाइट पीछे जला के, लाइट जल गया है, और इसको अंदर डालेंगे और खोल देंगे। बड़ा सा कॉलोनी में भी डाल दिए हैं, जो कि कॉलोनी 5x2x2 का है, 5 फीट लंबाई है, 2.5 फीट हाइट और 2.5 फीट चौड़ाई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जावा का किस तरह से फूड देना चाहिए, किस तरह से इनका मतलब केज के अंदर जो है मटकी वगैरह लगाना चाहिए, वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाना बना। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए और एक लाइक देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। चैनल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।